देवप्रयाग से आगे चलते हुए ही जा रहे थे हम पहाड़ों में के रास्ते में, और ये आप देख रहे हैं पथरीला रास्ता। यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है तो नीचे आपको पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, और बहुत छोटा सा रास्ता है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो बहुत ही कठिन रास्ते के बाद जब मंजिल आएगी तो बहुत ही सुंदर होगी। ये जो आपको दिख रहा है नरसिंह मंदिर, नरसिंह भगवान का ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर, और बद्रीनाथ धाम का पहला पड़ाव है ये। तो इसके दर्शन करने से ही बद्रीनाथ की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ से हम दर्शन करके आगे चले, और चलते जा रहे थे क्योंकि काफ़ी दूर ऊपर हमने जाना है। तो अभी जोशीमठ से थोड़ा सा आगे हम पहुँचे हैं, और ये बीच में कई नज़ारे आए कुदरत के। तो आप देख रहे हैं खूबसूरत पहाड़, एक से एक खूबसूरत, हर पहाड़ अपने आप में अलग तरह का खूबसूरती लिए हुए हैं। क्या नज़ारा है, कुदरत का करिश्मा। और यहाँ पर आ गए हनुमान चट्टी मंदिर इसे कहते हैं। तो यहाँ पर रुकना ज़रूरी होता है, और यहीं से कहा जाता है कि देवभूमि प्रारंभ हो जाती है, और इसके बाद आपको कहीं भी कोई मच्छर मक्खी कोई कीट पतंगा कहते हैं नज़र नहीं आता। तो यहाँ से बद्री विशाल तक पूरी देवभूमि, और ये पूरा ओम हं हनुमते नमः लिखा हुआ है चारों तरफ। और आपको मैं हनुमान जी के दर्शन भी कराती हूँ। इस जगह को कहते हैं हनुमान चट्टी। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर सभी दीपक जोत जलाते हैं, धूप जलाते हैं, और ये हैं हनुमान जी जो विराजमान हैं यहाँ पर। हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, और इस खूबसूरत नज़ारे में मैं ले रही हूँ चाय का मज़ा, गर्मा गर्म चाय। और ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है बद्री विशाल का गेट, और हम पहुँच गए बद्री विशाल धाम। तो ये यहाँ की मार्केट है। तो बद्री विशाल धाम में गाड़ी पार्क करके आपको नीचे की तरफ उतरना है पहले, और फिर ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी है। तो ये पहाड़ से नीचे हम उतर रहे हैं, यहाँ पर गर्मा गर्म कढ़ाई में केसर वाला दूध मिल रहा है, और हमने अभी कपाट नहीं खुले थे तो हम यहाँ खाना खाने लगे। मज़ेदार मक्की की रोटी, सरसों का साग, इडली सांभर, सभी कुछ जिसको जो चाहिए था सब। हम आए हैं बद्री विशाल, आनंद लिया। ये आप नज़ारा देखिए, और ये आ गया मैं हूँ पुल के ऊपर, आपको दिखाती हूँ ये देखिए शानदार नज़ारे आपको दिखने वाले हैं। स्वर्ग से आती हुई बर्फ सी हवा, ये मैं पुल पर चल रही हूँ। ये है निश्चल बहती हुई अलकनंदा नदी जो कि लगातार बहती है, और आगे जाके हरिद्वार गंगा के रूप में इसे माना जाता है। मंदिर के चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ बीच में ये मंदिर है, खूबसूरत पहाड़, और सामने हिमाचल पर्वत भी आपको नज़र आएगा बर्फ से ढका हुआ, तो दूर नज़र आ रहा है मुझे। मंदिर के कपाट होने के बाद काफ़ी लंबी लाइन लग गई, तो उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए, दर्शन किए, प्रसाद प्राप्त किया, प्रभु कृपा प्राप्त की बद्रीनाथ जी की, और उसके बाद हम आए माना गांव जो कि हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। ये मैं हूँ गणेश गुफा में, जहाँ गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी, बैठकर लिखी थी यहाँ पर। तो ये गणेश जी की गुफा बनी हुई है।
और उसके बाद हम चल पड़े भीम पुल की तरफ जहाँ सरस्वती नदी बह रही है, वहाँ हम जा रहे हैं। और ये टोकरियों में जो नहीं चल सकते, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, बुज़ुर्ग हैं, उन्हें ये लोग ले जाते हैं अपनी पीठ पर उठाकर इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर कोई घोड़े पिट्ठू वगैरह नहीं है, यही लोग ऊपर या नीचे ले जाते हैं। अब आपको सामने नज़र आएगी सरस्वती नदी दिखाई दे रही है बहती हुई, और बहुत ही बहाव इनका तेज है, ऊपर से बह रही है और नीचे लुप्त हो रही है। इनकी एक कहानी है इसके पीछे। तो यह इधर सरस्वती देवी का मंदिर बन रहा था, तो सरस्वती माँ को साइड में स्थान दिया हुआ है। अभी ये इधर मूर्ति रखी हुई है, देखिए आप नीचे, लोग यहाँ भी सेल्फी लेने में लगे हैं। और ये जल जो सरस्वती माता का सभी लेकर जाते हैं, जो विद्या प्राप्ति के लिए, बच्चों के लिए और सद्बुद्धि के लिए अच्छा रहता है, तो ये जल मैं भी लेकर आई थी थोड़ा। और ये मंदिर अभी बन रहा है यहाँ पर सरस्वती माँ का। और ये सरस्वती देवी की मूर्ति, जय हो सरस्वती माँ, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। और यहाँ पर ये साधु बाबा कर रहे हैं तपस्या, ये देखिए गुफा के अंदर बैठे हैं। व्यास जी गुफा से हम गए हैं और अब हम पियेंगे चाय। भारत देश की आखिरी चाय की दुकान, ये इतना बड़ा पत्थर है जो भीम जी ने उठा करके रखा था। अलकनंदा और सरस्वती नदी का आगे मेल हो रहा है, देखो इस नदी को पार करने के लिए। सुंदर दुर्लभ नजारा, स्वर्ग की सीढ़ियां यहीं से होती शुरू। ये रास्ते में बहुत सुंदर दीवारों पर कलाकृति है, महादेव की, माँ पार्वती की, अलग अलग सारी कलाकृतियाँ हैं। और मैं आ गई और थक गई पहाड़ चढ़ते चढ़ते। और ये मेरे पीछे जो आंटी हैं वो 100 ईयर्स की थी और बिल्कुल भी इनके फेस पे थकान नहीं दिखाई देती। तो और ये लगी रहती हैं अपने डेली रूटीन के काम में, कुछ ना कुछ करते रहती हैं ये सब। तो यहाँ पर ये खेती हो रही है, ये हमारे अंकल हैं जो गाइड थे हमारे। और ये देखिए ये आंटी शर्मा गई, और ऐसे ही अपने काम में सभी मग्न रहते हैं। ये जो जगह है ये माना गांव है, और यहाँ के ये निवासी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। और नीचे यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, बच्चे यहाँ पर भी कैंप में भी रहते हैं। और मेरे साथ है मेरे बच्चे भी। और ये देखिए गणेश जी की कितनी सुंदर कलाकृति यहाँ पर बनी हुई है। और इसी के साथ मैं थक गई फिर से चलते चलते। क्या सुंदर प्यारा नज़ारा है, ये नीचे सरस्वती नदी जा रही है जी। फाइनल डेस्टिनेशन भीमपुर, ये सरस्वती नदी का उद्गम हो रहा है। कितने सुंदर प्यारे ढंग से, वाओ, पानी यहाँ तक आ रहा है ना। ये सरस्वती माता की, ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती महाभाग्यवर्दे कामरूप में विष्णु विशलाक्षी देवी क्या माप। ये देखिए ये हिमालय की कंदराएं, ये भीम पुल। और वापसी में हम नीचे उतरते हुए आ गए ये धारी देवी के मंदिर में। इसकी जो धारी देवी की महिमा है बहुत ही
बड़ी है और केदारनाथ धाम में जो प्रलय आई थी, कहते हैं कि इस मूर्ति को हटाया था तभी प्रलय आई थी। सभी ने मना किया था, ब्राह्मणों ने, पंडित जी ने, कि ये मत हटाओ, पर उसके बाद ही कहते हैं प्रलय आई थी। और ये आप देख रहे हैं फिर से बादल मेरे सामने। बीच में हमें रुकना पड़ा था क्योंकि बच्चे थे साथ, तो धीरे धीरे हम नीचे जहाँ पे जो भी हमें रुकने की जगह मिलती थी, ये हमारा रूम था और सामने थे बादल और पहाड़। तो सुबह ये मॉर्निंग थी हमारी, बहुत ही अच्छी, गुड मॉर्निंग इसे कहेंगे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग थी ये। तो ये वाला नज़ारा मैंने देखा सुबह उठते ही, और उसके बाद फिर हम वापसी हरिद्वार की तरफ बढ़ चले। इसी के साथ हमारी सुखद बद्री विशाल धाम की यात्रा संपन्न हुई और चार धाम में से एक धाम हमने पूर्ण किया अपने परिवार सहित, अपने बच्चों के साथ। अगर आपको मेरे ट्रैवल व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो उन्हें आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।